लास्ट चैप्टर देखने वाले सिक्स्थ, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दो चीजों में क्लासिफाइड है, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब, और यूकैरियोटिक का मतलब पता है सबको? यस। क्या होता है? अच्छा देख लो, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस, ठीक है, प्रो मींस प्रीवियस। अगर कहीं पे कैरियोटिक आ रहा है, दैट मींस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, यू मींस ट्रू। अगेन कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सब लोगों को पता लगा, अगर ये सेल है तो अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ रहता, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब प्रीवियस, तो न्यूक्लियस के पहले ही डेवलप होने वाले ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। मतलब समझो तुम लोग का सेल है, अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डेवलप हुआ नहीं रहता, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स। नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स किसमें क्लासिफाइड है, दो टाइप्स में, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे क्या दिया कि जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, अगर तुम लोग डिफ्रेंशिएट करने जाओगे बेसिकली, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ, ठीक है। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक देखने जाऊँ तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग यूकैरियोटिक देखेंगे तो आगे जाके दोनों में क्लासीफाई करें, मतलब वो यूनिसेलुलर भी है और वो मल्टीसेलुलर, मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है और जो मल्टीपल सेल से बना हुआ है। मल्टीपल सेल्स मतलब क्या, मोर देन टू सेल्स और टेन सेल्स, या तो इन्फिनाइट सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक अगर किसमें क्लासीफाइड है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जो किंगडम है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का किंगडम है, किंगडम किंगडम है, जो तुम्हें ऑलरेडी ये और ये कवर कर चुके हो अपने प्रीवियस क्लासरूम में। अब यहाँ पे तुमको ये पढ़ना है ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स के बारे में, तुमको क्लासिफिकेशन प्रॉपर पता रहना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लासीफाइड है प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। आगे जाके यूकैरियोटिक किसमें क्लासीफाइड है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा किंगडम आता है, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा किंगडम आएगा, प्रोटिस्टा। आगे मल्टीसेलुलर के अंदर कौन सा आएगा, अगर हम लोग मल्टीसेलुलर देखने जाएंगे ना, तो वहाँ पर देखो दिया है विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। अगर समझो ये सेल है ना, तो उसके बाहर एक पतला सा लेयर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो आगे जाके अगर मल्टी सेलुलर में हम लोग क्लासीफाई करने जाएंगे या मल्टी सेलुलर है, तो आगे जाके ये भी डिवाइडेड है किसमें, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स और एंटरोट्रॉप्स। उसके अंदर कौन सा है, प्लांटे और किंगडम, कौन सा किंगडम आ रहा है, ऑटोट्रॉफ में किंगडम प्लांटे, और हेटरोट्रॉफ में कौन सा किंगडम आ रहा है, किंगडम फंगल। विदाउट सेल वॉल क्या हो गया, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, किंगडम प्लांटे में। अच्छा अब ये पॉइंट याद रखो कि जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर सेल वॉल एबसेंट होते हैं, किसमें सेल वॉल एबसेंट होते हैं, एनिमल सेल्स। और प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझा। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स। एब्सेंट किसमें होते हैं, सॉरी, सेल वॉल प्रेजेंट किसमें होते हैं, प्लांट सेल्स। एब्सेंट किसमें होते हैं, एनिमल सेल्स। इसके लिए अगर तुमको कभी भी ऐसा आया विदाउट सेल वॉल बोला, मतलब किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की, एनिमल की बात, और विद सेल वॉल बोला तो किसकी बात हो रही है, किंगडम प्लांट की, फंगाई की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, सो बेसिकली अगर तुम लोग देखे जाओगे तो तुम लोगों को शायद ना, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या होता है। अच्छा अगर तुम लोग आगे जाके देखोगे ना, तो विद सेल वॉल जो है वो आगे जाके क्लासीफाइड है किसमें, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद का क्या होते हैं,
जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपने फूड ये है दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं जो किंगडम प्लांट है वो किसमें आता है, ऑटोट्रॉप्स में आता है। अगर देखने आए तो किंगडम प्लांट है किसमें, ऑटोट्रॉप्स में। तो जो ऑटोट्रॉप्स की क्वालिटी है किसकी वजह से आई है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मैं एग्जाम्पल देखने जाऊँ तो अगर तुम लोग एक ट्री को इमेजिन करो या कोई प्लांट को इमेजिन करो, तो थ्रू रूट्स उसको क्या मिल जाएगा, वाटर, ठीक है। थ्रू लीफ उसको क्या मिल जाएगा, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सब के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर खुद करता है। तो उस कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, या उस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स। ऑटो मतलब होता है ट्रॉप, मतलब सिंथेसाइज करना, ओके। हेटरो मतलब होता है डिपेंडेंट, ट्रॉप मतलब सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज मतलब क्या हो गया, बनाना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन करना, फूड फॉर्मेशन या फूड प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस, या फिर सिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटो मतलब उनको पता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, हम लोग उतना क्लिक होता है तो वहाँ से तुमको क्लिक होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो मोड ऑफ जो ये फूड प्रोडक्शन वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। हम लोगों को बोला ना ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्यों बोला है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखने जाओगे ना, अच्छा, फोटोसिंथेसिस हो रहा हो किस वजह से हो रहा है, डिजाइन ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है, लीफ देखा, यस, लीफ पे जो ग्रीन कलर होता है ना उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। मतलब जो ग्रीन कलर जो आया है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से आया, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का जो लीफ है वही क्या करता है, CO2 को ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिनरल्स क्या बनाएगा, अपना खुद का फूड बनाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्यों बोला हम लोगों ने, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। आगे ना क्लासीफाई किया है, जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन का देखो टर्म्स क्या है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो क्लासिफिकेशन है ना बहुत तरीके से। पहला क्या है, अगर मैं पहला लिखने जाऊँ मान ये फर्स्ट है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने जाएंगे ना तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं। हम लोग तो लोगों को क्लासीफाई करते हैं ना हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, वेट के हिसाब से, क्लासीफिकेशन होगा ना हमारे बीच में, वैसे ही ऑर्गेनिज्म के बीच में भी क्लासीफिकेशन है, ठीक है। तो बेसिस क्या हो गया, सबसे पहला बेसिस क्या है, कौन सा ऑर्गेन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेन एब्सेंट है, वो पहला क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया। उसके बाद सेकेंड वन इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज, ये क्या है, सेकेंड क्राइटेरिया, प्रेजेंस और एबसेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू पता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल वाटर, फ्लोएम इज फूड, फ्लोएम का कैरी करता है फूड कैरी करता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, जैसे कि हम लोग देखो खाना खाने के लिए हम लोग को प्रॉपर खाना मिल जाता है, लेकिन फिर डाइजेस्ट होता है प्रॉपर, डाइजेस्ट होने के बाद ऑल ओवर दी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अब हम लोगों ने खाना यहाँ पे खाया तो थ्रू इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, हमारे पूरे बॉडी में वो जाते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स में कैसे जाएगा, वो हर तरफ ड्यू टू कंडक्टिंग टिश्यू, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो कंडक्टिंग टिश्यूज ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। जाइलम किसके लिए काम आता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर। फ्लोएम किसके लिए काम आता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या क्राइटेरिया क्या बोला है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ये क्या है, सेकेंड क्राइटेरिया, ठीक है। अब आगे क्या है, डू टू प्लांट्स वेयर सीड्स इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, कि अगर जो तुम्हारा प्लांट है उसके पास सीड है कि नहीं, अगर सीड है तो एनक्लोज मतलब क्या हो गया, सीड है ना उसके ऊपर कवरिंग है कि नहीं, ये क्या है हमारा थर्ड क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या था,
organ organ presence or absence cell interior क्या है separate conducting tissue presence or absence absent है present है कौन सा क्या है ठीक है third क्या है कि अगर seed present है किसी plant में तो seed को covering है या नहीं है ठीक है ये third criteria होंगे आगे क्या दिया seed is enclosed in a fruit or mat also an important criteria for classification finally plants are grouped depending on the numbers of cotyledons of six cotyledons पता है हाँ ये हम लोग आगे जाके देखते हैं फिर भी अब भी क्या है अब आगे देखो द हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन एग्जांपल अगर हम हायर लेवल ऑफ प्लांट्स देखेंगे ना तो हमें क्लासिफिकेशन कैसे दिया है एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स ठीक है अगर हम लोग ना हायर लेवल ऑफ प्लांट्स देखने जाएंगे ना तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है ना उनका सिर्फ दो टाइप में क्रिप्टोग्राम्स और फनेरोग्राम्स कौन सा राइट है अब ये जो क्रिप्टोग्राम्स और फनेरोग्राम्स हम लोग देख रहे हैं ना इसका क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पर है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स ठीक है तो ये जो क्लासिफिकेशन हमको फाइनली मिला है उसके बेसिस पर मिला है फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स उसके एब्सेंस या फिर उसके उसके प्रेजेंस है ठीक है तो ये क्राइटेरिया हो गया समझा आगे देखो क्या है डिपेंडिंग ऑन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद अ फ्रूट और नॉट फनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ठीक है तो बेसिकली अगर मैं देखने जाऊँ ना तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स में आगे किस में क्लासिफाइड है ये किस में क्लासिफाइड है बोलो क्लासिफाइड किसमें क्रिप्टोग्राम्स और फनेरोग्राम्स क्रिप्टोग्राम्स और फनेरोग्राम्स अगर हम लोग समझो फेनोग्राम्स में ना सीड प्रेजेंट है फेनोग्राम्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं अब वो सीड जो है ना वो क्लासिफाइड है कि नहीं है मतलब उसके अंदर कवर है कि नहीं उसके आगे वो क्लासिफाइड है किसमें जिम्नोस्पर्म ये आगे क्लासिफाइड है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ठीक है तो जो क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम का ये किसके बेसिस पे था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड अगर फ्लावर फ्रूट एब्सेंट है प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे क्रिप्टोग्राम और फनेरोग्राम है अगर सीड प्रेजेंट है तो वो सीड को कवरिंग है या नहीं है उसके बेसिस पे कौन सा है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म समझा इतना कौन कौन सा बेसिस था क्लासिफिकेशन का पहला एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन सेकेंड क्या है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज ठीक है थर्ड क्या है सीड्स आर एनक्लोज्ड और नॉट ठीक है अगर उसके बाद क्या दिया In the on the basis of presence or absence of flowers, fruits, and seeds, plants are further classified as cryptograms and phanerograms. ठीक है अगर seed present है कि नहीं अगर seed present है ठीक है तो वो seed की covering है या नहीं है तो अगर covering है तो ये और वो ठीक है वो आगे समझेगा कि जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ तुमको इतना याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं उसको कौन किस बेसिस पर क्लासीफाई किया हम लोग ने ठीक है समझा अभी के लिए क्या है हम लोगों को कितना क्लासिफिकेशन कौन सा याद रखना है क्रिप्टोग्राम और फनेरोग्राम कौन सा याद रखना है क्रिप्टोग्राम और फनेरोग्राम आगे जाके फनेरोग्राम जिसमें क्लासिफाइड है जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म याद रहेगा कितना समझा आगे देखे आगे देखो एंजियोस्पर्म इज फॉर क्लासिफाइड इन टू मोनोकॉट्स एंड मोनोकॉट डाइकॉट पता है मोनोकॉट क्या होता है आगे समझेगा मोनोकॉट डायकॉट क्या होता है नंबर ऑफ कॉटिलेडोन्स बोला है तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखा था प्रेजेंस ऑफ फ्रूट फ्लावर एंड सीड क्रिप्टोग्राम था फनेरोग्राम्स था फनेरोग्राम आगे जब क्लासीफाइड था एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म आगे जब किसमें क्लासीफाइड है मोनोकॉट एंड तो हम लोग उसमें सबसे पहला क्या देखने जा रहे हैं अभी यहाँ आया हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था क्रिप्टो क्या देखा क्रिप्टोग्राम है फनेरोग्राम है यहाँ पे क्लासिफाइड है एंजियोस्पर्म यहाँ पे आपकी क्लासिफाइड है मोनोकॉट एंड डाइकॉट ठीक है तो अब भी उसमें हम लोग सिर्फ ये देखते हैं ठीक है क्रिप्टोग्राम का क्या दिया ऑब्जर्व करने में वो थोड़ा ये देखता है डिवीजन वन मतलब जो तुम्हारा थैलोफाइट सब समझा
तुम लोगों के ना क्रिप्टोग्राम्स के ना अलग अलग क्लासिफिकेशन है. सबसे पहला जो डिवीजन वन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइट का मतलब पता है? यस. अच्छा याद रखो, थैलोफाइट का सबसे मेन है थैलस. ठीक है, थैलोफाइट में थैलस है, थैलो दिया. थैलस मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. कोई ऐसा प्लांट है जिसका हम लोग ना, जो समझो कि प्लांट लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर ना ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे इसका रूट कहाँ पर, इसका स्टेम कहाँ पर, इसकी लीफ कहाँ पर. तो वैसे पार्ट या फिर वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, थैलस बोलते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर थैलोफाइट आ रहे हैं ना, उसका मतलब हम लोगों को ऐसे प्लांट देखने वाले जिन लोगों का पर्टिकुलर डिस्क्राइब रूट नहीं रहेगा, स्टेम नहीं रहेगा, लीफ नहीं रहेगा. थैलस मतलब समझा, कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर ना तुम लोग, अगर मैं तुम लोग को प्लांट दे दूँ थैलस की, मतलब समझो मैंने तुम लोग को प्लांट ला के दिया, ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप का या फिर थैलोफाइटा डिवीजन का, तो तुम लोग उसमें ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें से उसका रूट कहाँ पर, इसका स्टेम कहाँ पर, इसका लीफ कौन सा है. ठीक है, तो अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस. ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग आगे ना क्या देखेंगे, थैलोफाइटा. अब यहाँ पर देखो सबसे पॉइंट याद रखो, ये ज़्यादा होते हैं यहाँ पर होते हैं वाटर में. ठीक है, कहाँ पे ग्रो होते हैं, वाटर में. तो इसको वो प्लांट बनाना स्पेसिफिक, यहाँ पर दिया है स्पेसिफिक पार्ट साइड रूट्स चेन लीव्स फ्लावर्स ऑटोट्रॉफिक. क्यों, हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में देखा था कि क्लोरोफिल इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है. ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट याद रखो, मेनली कहाँ होते हैं ये लोग, वाटर में. ठीक है, डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम लीफ फ्लावर्स. फिर भी अब रूट्स स्टेम लीफ फ्लावर कुछ है ही नहीं, फिर भी वो ऑटोट्रॉपिक है. क्यों, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल. ठीक है, यस, समझा. आगे का दिया इसका एग्जांपल क्या है, अच्छा इस टाइप के कैटेगरी को, फिर इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या रेफर करेंगे, एल्गी. क्या बोलेंगे, एल्गी. अब एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी. ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब क्या, एल्गी का एक टाइप नहीं रहेगा, बहुत सारे टाइप्स रहेंगे. ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम रहेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तीन मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. जो एल्गे है ये थैलोफाइटा के अंदर आ रहा है. एल्गी किसी कैटेगरी में आ रहा है, एल्गी किसकी कैटेगरी में आ रहा है, थैलोफाइटा में. ठीक है, तो उसमें क्या बोला, थैलोफाइटा की बहुत मतलब एल्गी की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फिर बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है, तो अब ये डाइवर्सिटी का अगर हम लोग देखते जाएंगे तो उसमें कौन कौन से टाइप्स है. जो एल्गे है या फिर थैलोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट्स रहेंगे ना, वो लोग यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल की भी हो सकता है और वो मल्टीपल सेल्स की भी हो सकते हैं. एंड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब पता है, मतलब इतने छोटे ना कि तुमको उसको देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. उसको मतलब कभी भी तुम्हारे कहीं भी बुक में ना माइक्रोस्कोपिक आ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि इतने छोटा ऑर्गेनिज्म किसको तुमको देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहले याद रखो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, इतने छोटे कि हम लोग को ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे. ठीक है, आगे क्या बोला, एग्जांपल्स क्या है इसके, स्पायरोगायरा, लॉगरिथम्स, अल्फा, सरगम, एग्जांपल्स याद रखने. ठीक है, सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वेयर सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर. कुछ कुछ फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, और कुछ सलाइन वाटर में. सलाइन वाटर क्या हो गया, सॉल्ट वाटर. ठीक है, दिस प्लांट्स यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी में जैसे फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. और कौन सा एग्जाम्पल है, फंगाई और ईस्ट. अब इनको इन लोगों ने अलग क्यों किया है, इस तीनों के पास क्लोरोफिल नहीं है, उनके सबके पास क्लोरोफिल है, तो ये सारे क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक. इनके पास क्लोरोफिल नहीं मतलब ये लोग किसी पर डिपेंड होते हैं. ईस्ट का एग्जाम्पल पता है उनको, ईस्ट हम लोग यूज़ करते हैं. अच्छा, जब पिज़्ज़ा बनाने के ईस्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसमें फर्मेंट होने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर जो वार्म वाटर है उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के रख देते हैं. ठीक है, तो उनका जो खाना है वो शुगर और पानी काम करता है. ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरे पर डिपेंड हो रहे, तो इसके लिए उसको उन्होंने दूसरी कैटेगरी में डाला है. ये सारे क्या है, ऑटोट्रॉपिक है. फंगाई और ईस्ट क्या है, हेटरोट्रॉपिक में आ जाएगा. ठीक है, समझा. तो ये क्या होता है, सबसे पहला डिवीजन क्या देखा हम लोगों ने,
क्या रहेगा, थायरोफाइटर. थायरोफाइटर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोग्राम. डिवीजन 1 क्या है, क्रिप्टोग्राम का थायरोफाइटर. ठीक है, थायरोफाइटर.